हेलो कला प्रेमियों, कैसे हो आप लोग सब। ये इस पेंटिंग ट्यूटोरियल का पार्ट टू है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बेस लेयर में कलरिंग किया था और फिर उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट लेके बेस लेयर के ऊपर कार्डबोर्ड को स्टिक किया था। तो अब हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पर मैं इसके डार्क वैल्यूज़ में कलरिंग करूँगा और धीरे धीरे अब हम इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स में डिटेलिंग ऐड करेंगे। डिटेलिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ और कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी इसमें डिटेलिंग्स हैं सच एज़ विंडोज़, डोर, तो उनमें हम कलरिंग करेंगे। और इसका यूज़ करके जब हम इसके नेक्स्ट लेयर में काम करेंगे, जब हम इसके नेक्स्ट लेयर में कार्डबोर्ड को स्टिक करेंगे तो ये डिटेलिंग्स हमें काम आएगा। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग करना है जिससे कि आपको इसके नेक्स्ट लेयर में काम करने में हेल्प मिले। अब हम इसके नेक्स्ट लेयर में मूव करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है ये कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड को अब हम बीच से फाड़ लेंगे और जो इसका टेक्सचर वाला एरियाज है उसका यूज़ करेंगे। तो अब हम धीरे धीरे करके इसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे। इस लेयर में अब हम डिटेलिंग ऐड करेंगे। डिटेलिंग ऐड करने के लिए मैं कार्डबोर्ड का जो पेपर वाला एरियाज होता है उनको मैं फोल्ड करके एक एक करके स्टिक करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बिल्डिंग के अपर एरियाज़ में डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो। डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग आपको पेपर को फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपको स्टिक कर देना है। इसी तरह से जितना भी कार्डबोर्ड का पेपर वाला वेस्ट है उसको आपको डिफरेंट शेप्स में फोल्ड कर लेना है और आपको डिटेलिंग्स में ऐड करना है और जहाँ जहाँ डिटेलिंग्स है वहाँ पे आपको स्टिक कर देना है। जो कार्डबोर्ड का टेक्सचर वाला एरियाज है उसका अब हम बिल्डिंग के ऊपर वाले एरिया में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से स्टिक कर लेता हूँ। स्टिक करने के लिए आपको इसको अच्छे से कट कर लेना है शेप्स के अकॉर्डिंग। जो हमने अभी इसमें कलरिंग किया था उसी का यूज़ करके आपको मेजरमेंट ले लेना है और उस मेजरमेंट के बेसिस पे आपको स्टिक कर देना है। अब हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप्स का कार्डबोर्ड पीसेस को बिल्डिंग के ऊपर स्टिक कर देंगे। धीरे धीरे आपको लेयर बाय लेयर मूव होना है। इसमें इल्यूजन क्रिएट करना है आपको, 3D इल्यूजन। तो 3D इल्यूजन के लिए आपको सबसे पहले तो जो रेफरेंस पीक है उसके अकॉर्डिंग आपको लेयर बाय लेयर मूव करना है। रेफरेंस पीक में जो भी पार्ट सबसे पहले उसमें आपको सबसे पहले स्टिक करना है, जो भी पार्ट सबसे लास्ट में है उसमें आपको लास्ट में मूव करना है। अब हम टेक्सचर वाला एरियाज़ का पेपर को यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर स्क्वायर शेप्स बनाएंगे छोटे छोटे साइज़ का, और जो इसके मिडिल वाले पार्ट्स हैं उनमें इन शेप्स का यूज़ करेंगे और स्टिक करेंगे इस तरह से। तो शेप्स जो है शेप्स के अकॉर्डिंग आप पेपर को फोल्ड कर सकते हो और फोल्ड करके उसमें यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसको काट भी सकते हो, जैसा आपको अप्रोप्रिएट लगेगा वो आप वैसा आप कर सकते हो या फिर आप कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपको फिगर आउट करना है। मैं यहाँ पर जैसे आपको बता रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रोसेस को डिस्कवर कर सकते हो। इसी तरह से अब हम इन पीसेस को एक एक करके स्टिक करते जाएंगे। ये पीसेस का जो शेप्स है वो आप चेंज कर सकते हो। आप इसको स्क्वायर कर सकते हो, रेक्टेंगुलर कर सकते हो, डायगोनल कर सकते हो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो और उसको आपको एक एक करके स्टिक करते जाना है। जब ये वाला प्रोसेस आप करते हो तो इसमें आपको शेप्स का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप्स है, तो इसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का यूज़ करना है। अब हम बिल्डिंग के नीचे पिलर वाले एरियाज़ में स्टिक करेंगे। इसके लिए आपको डिफरेंट साइज़ में पेपर को फोल्ड कर लेना है, रोल कर लेना है और उसको आपको बिल्डिंग के बेस लेयर के लिए यूज़ करना है। इसी तरह से अब हम इन छोटे छोटे कार्डबोर्ड पीसेस को इनके ऊपर ऑब्जर्व करके स्टिक कर देंगे, इससे इसका 3D लुक एनहांस हो जाएगा। पिलर के लिए मैं यहाँ पर टेक्सचर्ड कार्डबोर्ड का पीसेस को कट कर लूँगा और उसको इसमें स्टिक कर दूँगा। इसी तरह से आपको भी दिमाग लगाना है कि कौन सा पार्ट कार्डबोर्ड का ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा
बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टिक करना है। सो यहाँ पर टेक्सचर पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। डोर के स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड पेपर को फोल्ड करके इसमें स्टिक कर दूँगा। सो अब हम कार्डबोर्ड पेपर को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और बिल्डिंग के अपर एरियाज़ में स्टिक कर लेंगे। सो अब हम बिल्डिंग के लोअर एरियाज़ में मूव करेंगे। सो जो कार्डबोर्ड का जो पेपर है उसको मैं डिफरेंट साइज़ में कट कर लूँगा और यहाँ पर बिल्डिंग के बेस में स्टिक कर लूँगा। सो इसमें आपको शेप्स का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो शेप है आपका बेस लेयर और अपर लेयर को मैच कराना चाहिए। ये जो इसके बीच का जो मिसिंग एरियाज़ है उसको फिल करने के लिए मैं यहाँ पर इस पेपर का यूज़ करूँगा और स्टिक करूँगा। सो अब हम इस बिल्डिंग के बेस में मूव करेंगे। सो बेस में भी मैं यहाँ पर सेम कार्डबोर्ड पेपर का यूज़ करके डिफरेंट साइज के पीसेस को स्टिक करूँगा। सो ये पीसेस जो है इस 3D फील को और ज़्यादा एनहांस करेंगे, तो इस तरह से आपको भी इसको स्टिक कर लेना। सो फाइनली हमने यहाँ पर सारे कार्डबोर्ड पीसेस को एक एक करके स्टिक कर लिया है, तो अब हम इसके ऊपर कलरिंग करेंगे। सो कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगा। सो धीरे धीरे आपको एकदम लाइट प्रेशर के साथ सारे एरियाज़ में कलरिंग कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको पूरे टेम्पल में गोल्डन कलर का फर्स्ट लेयर अप्लाई कर देना है, फिर इसके बाद हम डार्क लेयर में मूव करेंगे। ये है फाइनल आउटपुट। अगर आपको भी अपने लिए इसी तरह के कस्टमाइज 3D पेंटिंग्स बनवाने हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।